कल हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर स्टार्ट किया। तो कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इट इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द चार्जेस एट रेस्ट। इसके बाद हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा। कुछ हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक नॉलेज है कि जो चार्जेस हैं वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्जेस। हमें पता है कि पॉजिटिव चार्जेस मतलब सेम चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा हमें ये बात भी पता है कि जब हम बॉडीज को रब करते हैं तो बॉडीज जो हैं चार्जेस चार्ज होती हैं। कल हमने डिस्कस किया कि आपकी बॉडी जो है वो चार्ज कैसे होती है, क्योंकि जब हम रब करते हैं तो जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होते हैं। तो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं इट विल गेट पॉजिटिवली चार्ज, अदर बॉडी विल गेट नेगेटिवली चार्ज। वी ऑल नो द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस्टरडे लेट अस रिवाइज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज दैट वी डिस्कस्ड। द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी डिस्कस्ड यस्टरडे वाज दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड। सो वी ऑल नो दैट बाय क्वांटाइजेशन आई मीन total charge on body will be equal to the integral multiple of charge on electron, and the value of this charge on electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Because conventionally we say that the charge on electron is negative, so we can write minus coulomb. Second property that we discussed yesterday is that the charge is zero in a system, that is Q initial. सिस्टम में जितना चार्ज पहले है उतना ही चार्ज बाद में। थर्ड प्रॉपर्टी दैट वी डिस्कस्ड यस्टरडे इज बिकॉज़ चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी सो वी कैन ऐड देम बाय मॉड्यूल्स। सो थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस इज एडिटिविटी, यू कैन ऐड द चार्जेस लाइक नंबर्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ कैन वी चार्ज है बॉडी, कोई हमारे पास अनचार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी है उसको हमें चार्ज करना है तो कैसे करते हैं। वन वे यू ऑलरेडी नो इज दैट बाय फ्रिक्शन। सो व्हेन वी रब अ बॉडी say for example we take a scale or this marker, if I rub this marker with my hair, dry hair, what will happen? My dry hair or marker, whatever, in doon mein se koi ek jo hai charges electrons jo hai wo lose karega aur dusri body wo gain karega. So that is how by the transfer of electrons the body will get charged. So this is one such method, वाइब्रेशन एंड चार्ज। तो हमारे पास एक स्केल है, इसको हमने रब किया तो रब करने के बाद क्या होगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। आप नेगेटिव नहीं लिखते क्या फर्क पड़ता है, बट चार्ज आ जाएगा इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे या फिर इसने गेन किए होंगे। अब अगर हमें ये चेक करना है कि ये सही में चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ है तो हम पेपर लेते हैं छोटे छोटे फाड़ के देखेंगे, और अगर अट्रैक्ट कर लेगा तो आपको दिया हुआ है तो इट विल बी डेमोंस्ट्रेट दैट द बॉडी इज चार्ज्ड। सो व्हेन यू प्लेस दिस स्केल इन योर पेपर्स लाइट पेपर्स इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग सम पीस ऑफ पेपर्स स्मॉल पीस ऑफ पेपर्स इट विल अटैच टू द स्केल। सेकेंड वे of charging a body is by induction. अभी induction क्या होता है? तो induction को समझने के लिए हमें छोटी सी activity discuss करते हैं, perform हम बाद में कर लेंगे। Suppose हमारे पास एक body है, ठीक है, एक body है, ये neutral है,
इंसुलेट किया, अब हम क्या करते हैं कि हमने एक स्केल लिया, उस स्केल को हमने रख दिया, स्केल इज नाउ चार्ज्ड, ये जो अनचार्ज्ड बॉडी है इट इज बेसिकली अ कंडक्टर। अब कंडक्टर की खास बात क्या होती है, इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब आप एक स्केल को चार्ज करके या किसी भी एक बॉडी को चार्ज करके इसके पास लेके आएंगे, What do you think will happen? You know, opposite charges attract each other. तो क्या होगा कि इस बॉडी के जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे और यहां पर इकट्ठे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, राइट? तो इलेक्ट्रॉन्स जब इकट्ठे होंगे तो जो आयंस बच गए जिस भी एटम के ऑर्बिट से वो निकले हैं, तो एक तरफ हमारे पास चार्ज है वो अपोजिट चार्ज है आ जाएगा, क्योंकि ओवरऑल बॉडी जो है वो न्यूट्रल है। तो सपोज करो अगर इसके ऊपर प्लस के चार्ज है इस स्केल के ऊपर, तो ये जो अनचार्ज बॉडी है इसका माइनस क्यू चार्ज इस तरफ आ जाएगा और प्लस क्यू चार्ज है वो इस तरफ आ जाएगा। अब हमें बेसिकली दिस इज इंडक्शन, लेकिन हमें इंडक्शन की हेल्प से बॉडी को चार्ज करना है। सो हम क्या सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस तो स्टिल दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द स्केल बट दे कैन नॉट जंप, दे कैन नॉट जंप, तो हम क्या करते हैं, हम इसको अर्थ कर देते हैं। जब हम इसको अर्थ करेंगे तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ट्रैवल थ्रू दिस वायर टू ग्राउंड, तो जो भी पॉजिटिव चार्ज था अदर एंड पर वो ग्राउंड में चला जाएगा, एंड आफ्टर दैट यू कैन टेक अवे दिस स्केल फ्रॉम दिस बॉडी, एंड दिस बॉडी विल ओनली हैव इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट, इट विल गेट नेगेटिवली चार्ज्ड। आप इसे पॉजिटिव चार्ज के वास्ते हाउ एक नेगेटिव चार्ज बॉडी के पास लेके आते हैं, तो ये जो मटेरियल है पॉजिटिव चार्ज, दिस इज अनदर वे बाय विच वी कैन चार्ज अ बॉडी, एंड थर्ड मेथड इज जस्ट बाय कंडक्शन। कंडक्शन क्या है, कंडक्शन बिल्कुल ये है कि एक आपके पास एक अनचार्ज बॉडी, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज जीरो, कोई चार्ज बॉडी आप लेके आए जिसके ऊपर सम चार्ज से टू क्यू है, ये अनचार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है, हम इसको चार्ज करना चाहते हैं विद हेल्प ऑफ कंडक्शन कॉन्टेक्ट में लेकर, जब आप इसे कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे टच करेंगे कंडक्शन सम चार्जेस फ्रॉम दिस बॉडी विल ट्रांसफर टू अनदर बॉडी। So that is how we can charge the bodies. One, by friction, that is by rubbing. What happens? When we rub a body, the electrons from one body transfers to another body. Second way is by induction. I explained what is induction, how can we charge a body by induction. I hope it is clear. And third way is by conduction. You just bring the two bodies, one is charged, other one is uncharged. Bring them in contact. The charge will transfer. So